बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं इंक्वायरी से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। हमारे स्पेशल एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमारे साथ डाटा शेयर किया था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप दूसरे लोगों तक ये वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि तक इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें पता चले कि करंटली जो इंक्वायरी से रिलेटेड क्या करंट सिनेरियो है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरन ऑफिसर अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, इससे रिलेटेड अगर आप हमसे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मजीद डिले करते हुए सिर्फ और सिर्फ उनका वॉइस नोट चला देंगे, ताकि आप तक के लिए सारी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चले जी, वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर, आप अपने YouTube प्लेटफॉर्म से काइंडली ये सबको अपडेट दे दें कि आज मेरी इंक्वायरी हुई है, और इंक्वायरी वाले मतलब कि आए जो कृषि लॉ एसोसिएट थी उनको मैंने सेलेक्ट किया था, तो वो वाले आज आए थे इंक्वायरी करने। उन्होंने ना मेरा जो है निकाहनामा लिया मेरे से, फोटोकॉपी जो ऑलरेडी जो मौजूद है उनके पास, उन्होंने मेरे से लिया, और जो शादी की वलीमे की पिक्चर वगैरह उन्होंने चेक की, बारात की पिक्चर चेक की, कोई साइन करते हुए निकाहनामा पे पिक्चर कोई मौजूद हो वो चेक की उन्होंने, और उसके बाद सर नियर बाय मेरे जो नेबर्स हैं उनसे वेरिफिकेशन किया, हाँ जी कब से रह रहे हैं ये लोग और इनकी शादी कब हुई कब नहीं हुई, कुछ नॉलेज वगैरह लिया सारा उन्होंने। आगे पीछे पूरे जो हमारा मोहल्ला है उसके पूरे एरिया में उन्होंने सब, वो कोई आउटसाइडर आपकी शादी में मौजूद हो उसकी उन्होंने वो लिया है, बयान हल्फी लिया है कि हाँ जी ये शादी में मौजूद था और वलीमा इस जगह पे हुआ है, और ये सब उनके थंब लगवाए और आई डी कार्ड कॉपी उनकी ली है, और जो आपकी वाइफ है उनका उनका सारा बायोडाटा पूछेंगे, वो कितने बहन है कितने बहन भाई हैं, और जो लड़का है उसके बहन भाई का पूछेंगे, सारा नाम लिखेंगे, और जो अगर जो भाई है उनके बच्चे हैं उनका भी सारा फीडबैक वो पूछेंगे। तो ये कि आप काइंडली जो आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप अपडेट दे दें सब, जाहिर सी बात है जो मैंने चीजें फेस की वो ऑलरेडी कोई पैनिक ना हो जाए ये सब क्वेश्चन वगैरह सुन के, क्योंकि मैं तो पैनिक हो गया था, उन्होंने कहा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, मेरा काम है ये मतलब क्वेश्चन वगैरह करना, तो आप इजीली आप बता दें चीजें। तो अब आपको पता चल गया कि इंक्वायरीज के अंदर कितनी ज्यादा चीजें उन्होंने डिटेल की है, सोशल इंक्वायरी, उसके बाद जो मैरिज से रिलेटेड उन्होंने पिक्चर्स वगैरह देखी, वलीमा से रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह पूछी, इन लॉज की डिटेल ली, उनकी डिटेल ली, इर्द गिर्द के लोगों से डिटेल ली। इतनी लंबी डिटेल लेने के बाद अब इंक्वायरीज जो है इनकी होपफुली कि ओके ही होगी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद आपके था कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो डोंट बी पैनिक, ठीक हो गया, जैसे कि इन महीने कहे कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो होपफुली डीक्यू चैनल से आपको मजीद अल्लाह करे कि अच्छे से अच्छी नॉलेज मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा, अल्लाह हाफिज़।